हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और प्लांट्स को पानी शर्मा जी सुबह सुबह दे चुके, मैं आई हूँ बेसिकली थोड़े करी पत्ता तोड़ने के लिए। और यहाँ पे शर्मा जी करा रहे हैं मेरी हेल्प। एक्चुअली कल शाम हम लोगों ने बर्तन नहीं धोए क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे। पता नहीं कैसे यार इतनी जल्दी नींद लग गई, मतलब मैं सो गई थी। शर्मा जी तो रात को उठ के उन्होंने अपना शिफ्ट किया है, बट मैं बर्तन नहीं धो पाई, तो शर्मा जी अभी बर्तन धो रहे हैं बिकॉज मैं उधर आप देख रहे हैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। और अगर ये कपड़ा आपने नोटिस किया तो ये इसलिए लगाया बिकॉज ये है ना ख़राब हो गया, क्या कहते हैं इसको, ये एक्सटेंडर जो था ये इतनी ऊपर ऊपर तक पानी फेंकता है कि बर्तन धोने वाला पूरा गीला हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। तो शर्मा जी बर्तन डिशवॉशर में लगाएंगे। लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि इतने तो आपने अच्छी वॉश कर ली है, डिशवॉशर में क्यों लगा रहे हैं? ये वॉश नहीं की, ये सिर्फ हमने वाइप किया है, इसको जो खाना वाना लगा हुआ ना वो और एक्चुअली गाइस ऐसा है कि डिशवॉशर में आपको बर्तन प्रीरिंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी बहुत वीडियो देखे हैं बट मेरा डिशवॉशर में शायद फॉल्ट है शर्मा जी, वो है ना थोड़ा ठीक से वॉश नहीं करता अगर मैं इनको रिंस नहीं कर रहा हूँ। एक बार इनको ऐसे प्रीरिंस कर दिया जाए तो बहुत अच्छे उसमें से बर्तन निकलते हैं। कई बार मैंने जैसे पतीला एज इट इज़ रखने का कोशिश किया बट फिर वो अच्छा नहीं धुल के आता, तो आई डोंट नो मेरा डिशवॉशर का इशू है कि क्या है। कभी कभी पानी का भी होता है, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। मैं इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं पता क्या वजह है, बस मुझे प्रीडेंस करना पड़ता है बिकॉज़ अगर मैं ऐसे रख दूँगी ना तो बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। और मैं यहाँ बना रही हूँ पोहा, करी पत्ते मैं अभी तोड़ के लाई हूँ, प्याज चॉप करूँगी, आलू चॉप कर लिया है। और पोहा की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए नॉट शेयरिंग नाउ। ऑल्सो किचन का हालत, घर का हालत बहुत मैसी है बिकॉज अभी बजे हैं सुबह के लगभग 8:30, अभी कुछ सफाई नहीं हुई है। शर्मा जी का शिफ्ट ख़त्म हुआ है, उन्हें भूख लग रही है, तो मैं पहले ये थोड़ा खाना पीना कर दूँ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लग कर एक साथ साफ कर डालूँगी। रेडी हो चुकी है और शर्मा जी पोहा भी रेडी हो गया, बस मैं अभी इसे सर्व करूँगी। एंड आई थिंक पोहा है ना, क्यों शर्मा जी, सबसे ज़्यादा बनने वाला नाश्ता है आई थिंक पैन इंडिया, बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद होता है। आई थिंक ये क्विक है, इसलिए क्विक है, यमी भी होता ही है, एज सच हेल्दी भी है एंड फीलिंग भी। ये हो गया, बस मैं इसे निकाल लेती हूँ। मुझे फ्रिज फ्री और स्ट्रॉन्ग हेयर किसको पसंद नहीं होते, आपके बालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, राइट फ्रॉम ऑयलिंग टू अ गुड शैम्पू एंड कंडीशनर। बट ऑफन व्हाट हैपेंस, हम अपने बालों को है ना मास्किंग करना भूल जाते हैं। हेयर मास्क आपके हेयर केयर रूटीन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोग इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। हमारे नानी दादी के समय से वो लोग भी बहुत तरह के हेयर मास्क लगाते थे, चाहे वो मुल्तानी मिट्टी का मास्क है, चाहे तो वो मेहंदी का मास्क है, बट मास्किंग हमेशा से बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही है। बट आजकल हम थोड़ा लाइफ की आपाधापी में हमको टाइम नहीं मिल पाता है बेसिकली, तो हम लोग मास्किंग के इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। तो एक ऐसा मास्क जो आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है और अंदर से स्ट्रेंथ देता है, आपके हेयर केयर के लिए मस्ट है। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ मामा अर्थ के आर्गन हेयर रेंज के हेयर मास्क का। और इस हेयर मास्क में है आर्गन ऑयल, और आर्गन ऑयल तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें है एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन जो आपके बालों को अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। मामा अर्थ का ये आर्गन हेयर रेंज मुझे लेटली रिसीव हुआ है और इस रेंज में है शैम्पू कंडीशनर एंड मास्क। एंड बाय द वे ये शैम्पू एंड कंडीशनर मामा अर्थ का न्यू लॉन्च है और इसमें है आर्गन और एप्पल साइडर विनेगर की गुडनेस। मामा अर्थ का आर्गन हेयर रेंज बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, दे हैव नो हार्मफुल केमिकल्स इन देम, दे आर लाइक पैराबेन फ्री, SLS फ्री। हेयर मास्क लगाने के लिए आपके बालों को डिवाइड कर लीजिए, देन सेक्शन बाय सेक्शन फ्रॉम रूट टू टिप आपके बालों पे मास्क लगाइए। कुछ 15-20 मिनट के लिए मास्क को आपके बालों पे रहने दीजिए और इसके बाद एक अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से आपके बालों को धो डालिए एंड देन
डू नॉट फॉरगेट टू कंडीशन योर हेयर. बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए और फ्रिज को टेम करने के लिए आपको हफ्ते में एक बार तो मास्किंग ज़रूर करनी चाहिए. और अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही फ्रिजी हैं तो हफ्ते में दो बार मास्किंग ज़रूर कीजिए. और ये हेयर मास्क इज़ सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप. मैन वुमेन दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड जैसा कि अभी आप जानते ही हैं, मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़ एंड ऑल्सो नाउ दे आर ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम पीटा एज क्रूल्टी फ्री. मामा अर्थ का ये आर्गन हेयर रेंज अवेलेबल है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अमेजोन पर और नाइका पर. एंड यूँ तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, बट आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2020, जिसका इस्तेमाल आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% का डिस्काउंट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट हेयर मास्किंग इज़ फॉर योर हेयर. लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा आपके बालों की हेल्थ के लिए, जैसे कि ऑब्वियसली कंप्लीट न्यूट्रिशन इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा ये कि जितना भी केमिकल्स, आयनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड ऑल दैट से आपके बालों को दूर रखेंगे उतना ही आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है. हफ्ते में कम से कम एक बार आपके बालों को ऑयल करना ना भूलें. इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सभी बाइंग लिंक्स मैं रख दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल्सो मेरा डिस्काउंट कोड भी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चेक कीजिएगा. और नाश्ता वाश्ता हो जाने के बाद थोड़ा मैंने घर का काम कर लिया. वो सब आपको क्या दिखाना, रोज़ का सेम ही काम होता है. मैं बेसिकली तैयारी कर रही हूँ लंच की और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे आम की चटनी. मेरे पास एक कैरी है आम और पुदीना की चटनी, मतलब समर्स में वैसे भी बहुत फेवरेट होती है. पुदीना मेरे पास नहीं था तो जो मेरे पास ये प्लांट है ना, इसी के थोड़े से पत्ते मैं ले रही हूँ. तो इतने से पत्ते मैंने लिए, हालांकि ये इससे भी ज़्यादा होने चाहिए तो बहुत मज़ा आता है आम और पुदीना की चटनी में. बट मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगी हरे धनिए से. आप चाहें तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे भी चटनी बना सकते हो, बट अगर पुदीना थोड़ा ज़्यादा है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है ये चटनी. तो मैंने यहाँ पे एक कच्चा आम लिया, इसे यहाँ पे हम लोग कैरी कहते हैं. और ये बिल्कुल कच्चा नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हो इसका कलर ऐसा है, तो थोड़ा सा ना स्वीटनेस भी पकड़ गया था. ये बिल्कुल रॉ मैंगो जो होता है, हरा हरा खट्टा वाला, उससे बनाइएगा ये चटनी तो बहुत अच्छी लगती है. एक्चुअली मेरी है ना, मेरी देवरानी से बात हो रही थी तो शी वॉज़ टेलिंग मी कि हाउ हर फादर उसके लिए हर रोज़ ये वाली चटनी बनाते हैं. तो मेरा मन हो गया कि मैं भी बनाऊँ, बस इसलिए मैंने ये बनाया. और ये चटनी लगती बहुत अच्छी है, आप ट्राई करेंगे ना आपको पसंद आएगी. तो जो कैरी है उसको मैंने काट लिया है, काट के डाला है ब्लेंडिंग जार में. इसके बाद आपके पास जो मिर्चें हैं वो कितनी तीखी हैं और आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए हरी मिर्चें. यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया. और जैसे मैं पहले भी बता रही थी ना, इसमें पुदीना थोड़ा ज़्यादा जाता है तभी ये आम और पुदीने की चटनी कहलाती है. बट मैं बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं तोड़ सकती थी अपने प्लांट से, इसलिए मेरा पुदीना का क्वांटिटी कम है, धनिया का ज़्यादा है. धनिया का क्वांटिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ा, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है. तो यू नो, आम को बैलेंस करने के लिए उतना मैंने डाला. तो मैंने ब्लेंडिंग जार में ले लिया है धनिया, पुदीना भी, थोड़ा सौंफ, जीरा और सादा नमक. इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा चीनी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए और स्लाइट स्वीट यू नो हिंट देने के लिए इस चटनी को. और थोड़ा सा काला नमक और इसके बाद ज़रा सा पानी डालकर इसको पीस लीजिए. और ये बहुत आसानी से पीस जाती है, पानी ज़्यादा मत डालिएगा. और ये देखिए बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ये चटनी बनती है, आप इससे ही अकेले पराठे भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है. तो चटनी हो गई रेडी, मैं इसे एक अच्छे से बोल में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी. ये चटनी कई दिन तक फ्रिज में अच्छी रहती है. चटनी हो गई रेडी, बट मैं बनाऊँगी एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी भी, और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मैं बनाने लगी हूँ बैंगन. और आप में से वो लोग जो बैंगन बहुत पसंद करते हैं ना, उनके लिए ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है. आप इस तरह से ये वाला वेरिएशन बैंगन का बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है. एंड आई नो दैट.
तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ना मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, मीडियम लार्ज साइज़ का प्याज, और इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं चॉप कर लूँगी और थोड़ा सा हिस्सा मैं ऐसे ही मोटा मोटा काट लूँगी। तो जो चॉप किया है इसको तो हम फ्राई करेंगे तेल में जैसे यूजुअली सब्जियों के लिए करते हैं, पर ये जो मोटा मोटा मैं काट रही हूँ ये मुझे एक पेस्ट बनाने के लिए चाहिए। तो मैंने ब्लेंडिंग जार में ले लिया है वो मोटा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, ये एक मसाला हम लोग तैयार कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ये पहले मैं आपको बता दूँ क्या क्या डाल रही हूँ। मैंने यहाँ डाला थोड़ा आखा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा पानी। अब इसको बिल्कुल फाइन हमें पीसना है। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसमें प्याज डालने का पर्पस बस इतना है जिससे ये मसाला अच्छी तरह पिस जाए। अगर मैं सिर्फ प्याज हटा के जितनी बाकी चीज़ें थी अगर सिर्फ उनको पीसती तो मसाला फाइनली नहीं पिसता, इसलिए उसको बॉडी देने के लिए थोड़ा प्याज मैंने डाला है। मसाला पिसकर तैयार हो गया है और वो इस सब्ज़ी का ना की फैक्टर है, टेस्ट चेंजर है। तो वो एक साइड रख दिया। यहाँ मैंने लिया है सरसों का तेल और इसमें डाला है बाकी का प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची। और प्याज देखिए इस हद तक लाल हमें भूननी है, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए इस हद तक लाल भूनिएगा। और इसके बाद जो मसाला भी हमने पीसा है वो इसमें ऐड कर दें। और इस मोमेंट आपके घर में इतनी तेज़ खुशबू आने वाली है, बहुत ही टेम्पटिंग खुशबू आती है इसकी। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं ना तो प्लीज़ सरसों के तेल में ही बनाइएगा। थोड़ा मसाला भुन जाने के बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और थोड़े मेथी दाना। मिर्ची ज़रा ध्यान से क्योंकि इसमें काली मिर्ची भी है, हरी मिर्ची भी है, तो आप आपके हिसाब से ना कितना तीखा आपको पसंद आएगा उतनी मिर्ची डालें। इसके बाद इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनें तब तक जब तक ऊपर इस तरह से आपको ऑयल दिखने लगे। ऑयल दिखने का मतलब है ये अच्छी तरह भून चुका है। इसके बाद मैंने ऐड किए हैं इसमें कटे धुले हुए आलू और बैंगन। और इसके बाद आलू बैंगन की सब्ज़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है इसकी भुनाई। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जब वो आलू बैंगन बनाते हैं ना तो बैंगन का एक अजीब सा फ्लेवर सब्ज़ी में रहता है जिसकी वजह से उनको फील होता है कि ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये बैंगन की भुनाई बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से तेल निकलने लगे और ये बैंगन भी एकदम सॉफ्ट होने लगे तब तक मैंने इसे भुना है। इस प्रोसेस में 5-1 मिनट मुझे लगे हैं, ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए। नमक मैंने नहीं डाला था, पहले मैंने इसको अच्छी तरह भूना है और बाद में मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अब मैं बीच में थोड़ी सी कैविटी बना के डाल दूँगी यहाँ टमाटर। ये टमाटर थोड़े ज़्यादा हैं, आपको इतने नहीं लेने हैं। एक्चुअली मेरे ये सारे ही टमाटर मैं इस्तेमाल नहीं करती तो ख़राब हो जाते, तो मैंने इनको क्लीन करके जितने भी थे वो यहाँ डाल दिए हैं क्योंकि मैं दाल नहीं बना रही थी और ये सब्ज़ी काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं मुझे बस टमाटर वेस्ट नहीं करने थे, आप चाहें तो इससे कम टमाटर डाल सकते हैं। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए और अब इसे स्लो फ्लेम पे पकाइए तब तक जब तक आलू आपके सॉफ्ट हो जाएं। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, एक चम्मच पानी भी नहीं डालना है। ऐसे ही इसको भून भून के पकाइए। आप देखिए ऊपर इतना अच्छा ऑयल रिलीज़ होगा, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अलग है गाइस। आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसको फिनिश कर रही हूँ मैं सिर्फ हरे धनिए के साथ। आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और आप में से जो लोग बैंगन लवर है ना वो इसकी शक्ल देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितनी यम्मी बनी है। डू गिव इट अ ट्राई, आपको अच्छी लगेगी। और इसके बाद मैं लगी हूँ फुलके बनाने। मैंने सानवी खुशी को खाना खाने बिठाया तो मुझे लगा कि एक एक करके फुलका बनाने से फिर वो वेट करना पड़ता है ना, तो देन आई थॉट कि चलो मैं दोनों के लिए दोस्ती रोटी बनाती हूँ। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था 7 types of paratha, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ मैंने किस तरह मैं ये बनाती हूँ वो सब बारीकियाँ शेयर की हैं। बेसिकली दो पेड़े को एक साथ आप बेल लीजिए। पेड़े यानी कि जो साइड में आपको बॉल दिख रहे हैं ना आटे के, इन्हें पेड़ा कहते हैं। इनको साथ में बेल कर पकाया जाता है तो आपकी दो रोटी एक साथ तैयार हो जाती है, इसको दोस्ती रोटी कहते हैं। और अगर आप इसको पराठे की तरह सेकते हैं तो यही दोस्ती पराठा बन जाता है।
और ये जो रोटी पराठा है ना, ये बच्चों में बहुत फेवरेट होता है। आप मेरी बात को टेस्ट करने के लिए एक दिन अपने बच्चे को इस तरह बना के खिलाएं चपाती, उसे नॉर्मल चपाती से ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं, दैट आई गारंटी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, सोंधी सोंधी लगती है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द फैक्टर, बट बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैं, जब मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, सानवी खुशी साथ साथ खाने बैठे होते हैं, तो मैं उनके लिए यूजुअली दोस्ती पराठा या दोस्ती रोटी बनाती हूँ और उन्हें ये काफ़ी पसंद आती है। कुछ लोगों को संशय होता है कि कहीं ये कच्ची तो नहीं रह जाएगी। गाइज, ये कच्ची नहीं रहती है। वाई? बिकॉज हम इसे बहुत पतला बेलते हैं। वैसे भी जब हम तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं तो भी वो सिख ही जाती है ना। तो आप देखिए इसको कितनी चित्तियाँ मैंने लगाई हैं, ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहती है। एंड अगेन आई एम सेइंग, इसको हम बहुत ही पतला बेलते हैं तो इतना सेकने से ये सिख जाती है। कल की वीडियो में जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उसके बारे में मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं, और कुछ एक कॉमेंट ऐसे भी हैं कि क्या वो धोखा आपका आपके हस्बैंड से मिला है। गाइज़, हम लोग रोज़ बहुत सारी बातों पर डिसएग्री करते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, बट फॉर्चुनेटली वो मेरे हस्बैंड नहीं है जिनकी मैं बात कल कर रही थी। माय हस्बैंड इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हम लोग कभी नहीं झगड़ते। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी, कोई दिन नहीं गुजरता अगर हम किसी बात पे डिसएग्री नहीं करते, और कोई हफ्ता नहीं गुजरता अगर हम लोग झगड़ते नहीं हैं। बट देन झगड़ा करना, डिसएग्री करना इज़ लाइक पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। इसे कोई धोखा या उस तरह की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते हो। जब एक छत के नीचे लोग रहते हैं तो विचार ना मिलें, मतभेद हों, ये बहुत ही नेचुरल है। व्हेन आई से कि मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो इसका मतलब मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ दैट ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। हम लोगों ने लाइफ के बहुत ही थिक एंड थिन एक साथ गुजारे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग चंडीगढ़ नए नए जाकर रहने लगे थे ना, मतलब हम लोग दोनों दिल्ली में जॉब करते थे, फिर शर्मा जी का चंडीगढ़ में जॉब हो गया, तो उसके बाद फिर मैं भी चंडीगढ़ ही मूव हो गई थी, और फिर महीने दो महीने बाद हमारी शादी भी हो गई थी। तो उस वक्त पे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, थिंग्स आर क्वाइट पर्सनल, पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था हम लोगों पे। मैं और शर्मा जी दोनों जॉब करते थे, फिर भी आप समझते हैं इंडियन फैमिलीज़ में रहना कैसा होता है। तो हमारी सैलरी इनफ होते हुए भी इनफ नहीं थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो आप में से जो लोग भी चंडीगढ़ रहे हो या दिल्ली टू चंडीगढ़ रोड पे आपने कभी ट्रैवल किया हो ना, जीटी रोड, तो दिल्ली पानीपत, सोनीपत, अंबाला से पहले कुरुक्षेत्र, देन अंबाला एंड देन चंडीगढ़, तो उस रोड पे आपने कभी बाय बस, बाय फोर व्हीलर, कैसे भी, मतलब रोड पे आपने ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारे शॉप होते हैं अचार पचरंगा के। तो वो अचार बहुत टेस्टी नहीं होता है, मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आया, बट एक वक्त ऐसा भी था कि महीने के 30 डेज़ में से 20 डेज़ में और शर्मा जी सिर्फ वो अचार पचरंगा पराठे के साथ खाकर दिन निकाल लेते थे। तो ऐसा भी वक्त हम लोगों ने देखा है। आज ज़िंदगी थोड़ी सी स्टेबल है, टच वुड, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितने से हम लोग निकल कर आए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब शर्मा जी को जॉब नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनका रिश्ता एक अलग टैंजेंट पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो झगड़ते हैं तो रिश्ता कमज़ोर है, या वो नहीं झगड़ते हैं तो ही रिश्ता मजबूत है, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप सुख और दुख से एक साथ निकल कर आते हो ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और कल की वीडियो पे मुझे आप लोग के इतने सारे कमेंट रिसीव हुए गाइस, मुझे लग रहा था, मतलब मैं फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, बहुत वक्त से, सिंस जनवरी, ये इंसिडेंट मेरे साथ जनवरी में हुआ था इसी साल, और मैं इतनी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, बिग ट्रॉमा थी मेरे लिए। मेरा मन आता है कि मैं आपको बता दूँ सारी बातें, बट देन यहाँ पे कुछ लोग ही सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं बातें, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए वीडियो देखते हैं, एंड देन फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो हर बात को ऐसे बिग रिवील नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता रही थी कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जनवरी में, और जनवरी से अभी तक, अभी मई है, और शुरू शुरू में तो जो
इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, मैं रोती धोती भी थी, बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता था एवरी टाइम। वो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मैं शर्मा जी से बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करती थी, मैंने मेरे सासू मॉम से बात किया, ससुर जी से बात किया, बहुत लोगों से बात करके ना थोड़ा सा दिल हल्का होता है। और जब कल मैंने ये बात आपके साथ शेयर की तो आप लोगों ने मेरी बात को समझा, सेकंड किया, और उससे भी ऊपर लाइक अबव ऑल आप लोगों ने आपके एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर किए। तो मुझे समय ऐसा लगा कि वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो फीलिंग मुझे आई कि खाली मैं ही नहीं। वैसे तो मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, सभी लोग हार्डशिप से गुजर रहे होते हैं, पर जब एक बार आप आपके दुख शेयर कर देते हो ना तो समहाउ आई फील कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। ये फीलिंग मुझे कल बहुत ही स्ट्रांगली फील हुई। एंड आई अगेन थैंक यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ माय दिस स्मॉल सी यूट्यूब फैमिली। आप नहीं समझ सकते हैं हाउ यू नो ब्लेस्ड आई फील, हाउ ओवरवेल्म्ड आई फील एवरी टाइम जब आप लोग मेरे साथ आपके विचार शेयर करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, टाइम निकाल के मेरे पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। मैं आप में से हर एक को आकर एक एक को हग नहीं कर सकती, बट प्लीज़ एक्सेप्ट माय वर्चुअल हग टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और मैं बस जाते जाते आपसे इतना ही कहूँगी कि आप कितने भी दुखों में घिरे हुए हो ना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे भी दुखी कोई और है जो शायद हिम्मत नहीं छोड़ रहा है। तो नेवर गिव अप लाइफ में। अगर रात आती है तो उसके बाद सुबह भी ज़रूर आएगी। अगर आप आज लाइफ के डार्केस्ट फेज से गुजर रहे हैं, रिमेंबर कल सुबह ज़रूर होनी है। इस चीज़ को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो बस इसी के साथ मिलूँगी आप सभी से इजाज़त, मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दे इजाज़त, बाय बाय।